चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है एनएमआर के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन। बट इंटरप्रिटेशन समझने से पहले हमको ये बात भी करनी पड़ेगी, मतलब इंटरप्रिटेशन भी साथ में हम समझेंगे, साथ ही साथ हमको टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे जो कि एनएमआर के साथ पूछी जाती है। और ये टर्मिनोलॉजी जो होती है बेसिकली ये एनएमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वाईवाई के हिसाब से भी, आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम जिस और उसी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट है होती है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, जो हम लेके चल रहे हैं वही CH2CH3F CH2CH3। तो यहां पर जो पीक्स आ रही हैं, जैसे कि आपको यहां पर ये पीक दिख रही है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CH3 जो हमारा ये यहां पर CH3 है, ये जो है वो हमारे फ्लोरिन से काफी दूर है, मतलब यहां पर क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां पर पहले से ही क्या हो रहा था, पहले से ही CH3 में शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से यहां पर बीटा स्पिन हो रहा था। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो वेव्स थी वो जब CH3 के प्रोटॉन से टकराई, तो उनको ज्यादा एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी इनको बीटा स्पिन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पहले से ही अपोज कर रहा था हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए यहां पर जो CH3 की पीक है वो सबसे पहले आ गई। ठीक है, क्योंकि CH3 में हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा था, इसलिए हमको यहां लो एनर्जी लगी, इसलिए इसकी जो पीक्स होंगी वो जल्दी आ जाएगी, और इन पीक्स को कहा जाएगा अपफील्ड पीक। ठीक है, वहीं अगर हम CH2 की बात करें तो CH2 के अंदर फ्लोरिन के काफी करीब है, और फ्लोरिन के करीब होने की वजह से यहां पर शील्डिंग इफेक्ट ना लगते हुए डी शील्डिंग इफेक्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए थे, आकर्षित कर लिए थे, खींच लिए थे, और यहां भी यहां पर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं था, जिस वजह से यहां पर अल्फा स्पिन हुआ। अल्फा स्पिन जो होता है बेसिकली वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब अल्फा स्पिन हो रहा था तो अल्फा स्पिन में ओरिएंटेशन जो होता है वो पूरा का पूरा मूव हो जाता है, मतलब मैग्नेट अपना ओरिएंटेशन पूरा चेंज कर लेती है। और यहां पर अल्फा स्पिन को जब ये CH2 अल्फा स्पिन कर रहा था, और जब इसमें जब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवाई और रेडियो वेव जब CH2 से टकराई, तो क्या हुआ, इसको वापस बीटा में कन्वर्ट करने के लिए, अल्फा से बीटा में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ी। हाई एनर्जी की वजह से यहां पर जो पीक आएगी वो इसकी पीक बाद में आएगी, इसलिए इन पीक को कहा जाता है डाउन फील्ड। तो ये कहलाता है केमिकल शिफ्ट, जिसमें अप फील्ड और डाउन फील्ड भी होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर शील्डिंग और डी शील्डिंग अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इजी वे में अगर एग्जांपल समझेंगे, अगर आप शील्डिंग डी शील्डिंग को जानते हैं, तो आपके लिए केमिकल शिफ्ट समझाना बहुत ही इजी हो जाएगा। और यहां पर हाई एनर्जी लो एनर्जी वाला पॉइंट भी लग रहा है, और साथ ही साथ आपको यहां पर तीन चार चीजें यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। एक तो अल्फा स्पिन क्या होता है, बीटा स्पिन क्या होता है, शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको यह भी समझना पड़ेगा कि रेडियो वेव्स जब कॉन्टेक्ट में आती है तो वो बीटा स्पिन करवाती है, मतलब हाई एनर्जी लेवल पर पहुंचा देती है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आपके लिए केमिकल शीट बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनएमआर के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट है पीक स्प्लिटिंग। देखिए, पीक स्प्लिटिंग जो ये पॉइंट है बेसिकली ये इसलिए दिया गया है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी पीक कौन से प्रोटॉन की है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ जो इससे पहले मैंने जो आपको पीक शिफ्टिंग बताया था उस पॉइंट को भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर जो केमिकल शिफ्ट जो हमने अभी बात करी थी शिफ्टिंग की, उसको भी मैं पीक स्प्लिटिंग के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर होता क्या है, देखिए कि जैसे कि आपको वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं CH3CH2F CH3CH3। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि CH3 जो था वो शील्डेड था, इसीलिए इसमें हमको लो एनर्जी जरूरत पड़ी और उसकी पीक पहले आई। उसी के अलावा जो CH2 था वो डी शील्डेड था, जिसकी वजह से हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ी, इस वजह से इसकी पीक बाद में आई। ठीक है, बट अगर आप इन पीक्स को देखिए तो ये पीक्स के नंबर्स हैं। यहाँ पर तीन पीक आ रही है, ये चार पीक आ रही है, ये कैसे आती है, यहीं पे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यही मतलब ये पीक स्प्लिटिंग यहीं पर आती है। पीक स्प्लिटिंग का जो रूल है वो है N+1 रूल, जिसमें N जो है वो है नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन। इसमें जो रूल लगता है वो है N+1 रूल, और N का मतलब है नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, मतलब किसी भी कंपाउंड की जितनी भी पीक आएगी वो उसके नेबरिंग कंपाउंड के हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करेगी। चलिए मैं इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 और CH3 की पीक आई है ये तीन, जैसे कि हमको पता है क्योंकि ये शील्डेड था, लो एनर्जी लगी, इसलिए तीन पीक सबसे पहले आई। तो जो पीक पहले आई
सीधी सी बात है वो CH3 की आई, बट वो कितनी पीक आई तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, N+1 रूल। N+1 रूल के हिसाब से इसका नेबरिंग कंपाउंड कौन सा है, CH2। CH2 के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो N की जगह लिखेंगे 2, 2+1 3, तो 3 पीक आ गई। ठीक है, तो इससे हमको आइडेंटिफाई हो गया कि पहली वाली जो पीक है 3 पीक, ये CH2 की है। ठीक है, वही जो बाद वाली पीक थी वो CH2 की है, क्यों, क्योंकि CH2 जो है वो डीशील्डेड है, यहां पर हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ी है इसलिए इसकी पीक बाद में आएगी। यहां पर भी हम N+1 रूल लगाते हैं, हमने N+1 रूल लगाया, CH2 के साइड में कौन है, CH3, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3+1 4, तो ये 4 पीक आ गई, तो ये पीक किसकी हो गई, CH2 की। तो इस रूल की हेल्प से हम किसी अननोन ग्राफ को भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, जिसमें अगर हमको शील्डिंग और डीशील्डिंग क्लियर नहीं हो रही है तो हम पीक स्प्लिटिंग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी पीक किस कंपाउंड की है, मतलब किस प्रोटॉन की है। तो बिल्कुल सिंपल रूल है, बहुत इजी रूल है, बट इसमें आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, शील्डिंग डीशील्डिंग का भी रूल जो है उसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा पीक स्प्लिटिंग समझना। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में, तो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पैरामीटर की, जो कि इंटरप्रिटेशन का लास्ट पैरामीटर है और वो है पीक इंटीग्रेशन। ये हमारा लास्ट पैरामीटर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उससे पहले मैं एक बातचीत आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो हम NMR यूज कर रहे हैं वो है 1H प्रोटोन NMR। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो सैंपल को हमको वाटर के अंदर प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो वाटर होता है वाटर के अंदर तो प्रिपेयर करना है, बट एक चीज समझिए कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो वाटर के हाइड्रोजन हमारे सैंपल के हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड होके वो अपनी पीक दे सकते हैं। इसीलिए कई जो हम सैंपल अगर प्रिपेयर करते हैं वाटर के अंदर, तो उस वाटर के हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वाटर की जगह क्या आ जाता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यूज में भी या एक्सटर्नल्स के YYS में भी, कि आपको क्योंकि प्रोटॉन NMR है तो वाटर के अंदर भी प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो वो प्रोटॉन भी अपना पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन के अंदर और वो अपनी पीक दे सकता है। इसलिए वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम को ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां उस वाटर को हमको फिर यूज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं और समझते हैं पीक इंटीग्रेशन में। देखिए, पीक इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर पीक जो होती है वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक मान लीजिए 2 पीक आ रही है बट उनमें प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं आता और वो आपस में जाके जुड़ जाती है, इसे कहा जाता है पीक इंटीग्रेशन। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें 2 मॉलिक्यूल सेम केमिकल एनवायरमेंट में, ठीक है, हमारे पास सेम केमिकल एनवायरमेंट मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 कंपाउंड या 2 एटम्स जो है वो सेम एनवायरमेंट में है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है जिसको हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह हम फिर से ले लेते हैं फ्लोरीन है। ठीक है, यहां पर देखिए तो कौन कौन से कंपाउंड है जो सेम एनवायरमेंट में है, तो अगर आप यहां देखें तो ये और ये दोनों मेथेन जो CH3 ग्रुप है, ये दोनों के दोनों सेम एनवायरमेंट में है, क्योंकि दोनों फ्लोरीन से सेम दूरी पर बने हुए हैं। ठीक है, दोनों CH2 से जुड़े हुए हैं, मतलब ये दोनों सेम एनवायरमेंट में है। वैसे अगर हम CH2 को देखें, ठीक है, इन CH2 को, तो ये भी दोनों सेम केमिकल एनवायरमेंट में है, तो इनकी पीक्स जो आएंगी ना वो सेम आ सकती हैं और इनकी पीक दोनों मर्ज हो सकती हैं, हो सकता है, क्योंकि जो डिटेक्टर होगा उसके पास जो रीडिंग्स आएंगी, तो इन दोनों की रीडिंग, क्योंकि दोनों सेम केमिकल एनवायरमेंट में है, तो डिटेक्टर के पास जब रीडिंग्स जाएंगी तो दोनों की रीडिंग्स सेम टाइम पे सेम जगह पे जाएंगी, तो दोनों की रीडिंग जब सेम टाइम पे पहुंची तो दोनों की पीक एक साथ आ जाएगी, और एक साथ का मतलब है कि दोनों पीक मर्ज हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर यही हो सकता है कि CH2 भी दोनों सेम केमिकल एनवायरमेंट में है, तो दोनों की जो सिग्नल्स डिटेक्टर पे पहुंचेंगे वो भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, तो दोनों की पीक एक साथ खड़ी होगी, तो दोनों मर्ज हो सकती है एक ही जगह पे, और यही केस CH2 के साथ होगा। तो अब समझते हैं हम यहां पर होगा क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CH2 जो है, CH3 जो है बेसिकली, यहां से समझते हैं, CH3 जो है बेसिकली ये शील्डेड है क्योंकि फ्लोरीन से काफी दूरी बनाए हुए है, इसके लिए हमको लो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो CH3 कितने हाइड्रोजन है, 3, ये टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, 3+3=6, तो यहां पर जो पीक आएगी वो इस टाइप से आएगी, ऐसी ये मर्ज आएगी, ऐसी आपको मर्ज पीक मिलेगी, तो इस टाइप की पीक मिलेगी। तो और सेम CH2 के साथ भी होगा, CH2 जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, मतलब डी शील्डेड है, यहां पर हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर CH2 मतलब कितने हुए, 2+2
चार हाइड्रोजन, ठीक है, चार हाइड्रोजन, तो उसकी भी जो पीक होगी वो इस टाइप से मर्ज हो सकती है। मान लीजिए ये पूरी की पूरी पीक ही जुड़ जाए, ठीक है, ये पूरी की पीक जुड़ जाएगी तो ये भी मर्ज हो जाएगी। तो अब इसमें होगा क्या कि इसमें हमको पीक स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब इस टाइप से मर्ज हो जाए पीक तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इस पीक के अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है, जब यहां पर क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम होगा वो हमको ऑटोमेटिकली इसमें एरिया प्रोवाइड कराएगा, उस एरिया को कैलकुलेट करके हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि इस जो ये पीक मर्ज हुई है इसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। और बेसिकली ये केस जो है वो पीक स्प्लिटिंग का केस है। तो इसके अंदर हमको ये दो तीन नॉलेज होना चाहिए, एक तो पीक स्प्लिटिंग क्या होती है, क्यों होती है और किस लिए हुई है, ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम पीक स्प्लिटिंग को क्लियर कर पाएंगे और फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कि उस पीक स्प्लिटिंग के अंदर जितने भी हाइड्रोजन मर्ज है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ चार हाइड्रोजन मर्ज हो गए, यहाँ पर छह हाइड्रोजन मर्ज हो गए, तो आपको पीक स्प्लिटिंग का अगर नॉलेज होगा तो आप एरिया से ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही चीज लिखी है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पीक एरिया, हाइड्रोजन गिव वन इलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड पीक, देन वी कैलकुलेट विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सैंपल। मतलब आपका जो सैंपल है वो तो एक पीक का ही एरिया आपको प्रोवाइड कराएगा, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पीक के अंदर जो कि मर्ज हुई है उसके अंदर कितनी पीक प्रेजेंट हो सकती है। तो इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो पीक इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाता है कि पीक इंटीग्रेशन क्या होता है या पीक मर्जिंग क्यों होती है, किस लिए हुई है, तो ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। सेम केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनके मैं एग्जांपल यहां साइड में लगा दूंगा, वो देख के आप समझ सकते हैं कि और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेम केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पे मैं आशा करता हूं कि आपको जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए, आपको केमिकल शिफ्ट, पीक स्प्लिटिंग और पीक इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन पूछिए, मैं जरूर आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के धन्यवाद और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।